प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात। पीएम को एकात्म यात्रा के समापन कार्यक्रम में आने का दिया निमंत्रण। भावांतर भुगतान योजना रबी फसलों पर भी लागू करने की पीएम से की मांग। रीवा जिले के नईगढ़ी में विकास यात्रा के तहत आयोजित अंत्योदय मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मेले में 187 करोड़ की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नईगढ़ी क्षेत्र को दी करोड़ों रुपए की सौगात। जल्द ही शुरू होगी नईगढ़ी सिंचाई परियोजना। कौशल उन्नयन केंद्र और कृषि उपज मंडी के निर्माण की भी घोषणा की। हितग्राहियों को बांटे विभिन्न योजनाओं के लाभ। वरिष्ठ पत्रकार लेखक और कवि महेश श्रीवास्तव को भोपाल नगर निगम द्वारा सरस्वती सम्मान से किया गया विभूषित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदान किया प्रतिष्ठित सम्मान। कहा गद्य और पद्य विधा के अद्भुत हस्ताक्षर हैं महेश श्रीवास्तव। पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने राजधानी में वनवासी खेलकूद प्रतियोगिता में एकलव्य प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। विभिन्न देशों में वनवासी खेलों से जुड़ी जानकारी की गई प्रदर्शनी में चित्रित। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने राजधानी में दो दिवसीय ग्लोबल टीचर मीट का किया उद्घाटन। कहा वर्तमान समय शिक्षकों के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण। विभिन्न संस्थानों के कई वरिष्ठ शिक्षकों का किया सम्मान। नए साल में सरकारी बचत योजनाओं से आम लोगों की घटेगी ब्याज से आय। सरकार ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर 0.0% तक घटाई। बैतूल जिले के कुकरू में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स एडवेंचर फेस्ट का आयोजन। विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियों में ले रहे हैं पर्यटक हिस्सा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कुकरू में लगा सैलानियों का जमावड़ा। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता राजधानी के बाणगंगा क्षेत्र में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में हुए शामिल। लाडली लक्ष्मी योजना में लाभान्वित परिवारों को वितरित किए प्रमाण पत्र। मौसम साफ होने से दिन और रात के तापमान में हुआ हल्का इजाफा। पारे में हल्के उतार चढ़ाव का दौर रहेगा जारी। भोपाल में 12 डिग्री तो चंबल अंचल के कई जिलों में 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। इंदौर के होलकर स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच। विदर्भ और दिल्ली के बीच होगा 84वें रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच। दोनों ही टीमों ने मैच के लिए जमकर बहाया पसीना। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए हुई रवाना। अफ्रीकी दौरे पर भारतीय टीम खेलेगी 3 टेस्ट 6 वनडे और 3 T20 मैच। विवाह के अवकाश के बाद भारतीय टीम में लौटे कप्तान विराट कोहली। सागर में प्रदेश स्तरीय कूदो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रदेश के 31 जिलों से आए 365 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कुल 48 स्वर्ण पदक के साथ सागर की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 132वां स्थापना दिवस आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर किया गया विशेष आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं का किया जा रहा सम्मान। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा राजधानी में 20वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन। आज से 31 दिसंबर तक आयोजित स्पर्धा में देश के सभी राज्यों से आए 600 से ज्यादा चयनित प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा।